ज्यादा खुश हूँ वो इसलिए कि मैं मायके आई हूँ। ये देखिए हमारी गैया, पता लग रहा है गाँव का सब्जी भुजिया एक नंबर। बोले मनीष की है चोकर, बोलिए आप की से की हो गए। क्योंकि मेरे भाई को मेरे हाथ की पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, मैंने कहा चलो सबके लिए बना देते हैं पनीर की सब्जी। हम लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस मेरी दीदी बहुत मेहनत करती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे नए व्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं ज़्यादा खुश हूँ वो इसलिए कि मैं मायके आई हूँ। जी हाँ, मेरे जो मेरा भतीजा है उसका बर्थडे है, तो इस बार वो 3 साल का हो गया है। 2 साल से मैं उसके बर्थडे में नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस बार हम लोग का प्लान बना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पापा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो सोचा पापा से भी मिल लूँगी और बाबू का बर्थडे भी हो जाएगा। तो वही हम लोग आए हैं, मैं, पतिदेव और हैप्पी आए हैं। और आज उसका बर्थडे है यानी 27 जुलाई को। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद मंदिर जाएंगे। और मैंने तो व्लॉग इसलिए आज से शुरू किया है कि कल बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। हम लोग यहाँ सुबह चले थे, लगभग 2 बजे यहाँ पहुँचे थे, फिर वही खाना खा के आराम किए, गपशप हुआ, इसी में समय निकल गया। तो आज फिर अभी सुबह उठी हूँ और आज मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये देवेंद्र भैया हैं, हमारी गाड़ी यही ड्राइव करके आए हैं और अभी भैया नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ देखिए पतिदेव भी नाश्ता कर रहे हैं। कैसा लग रहा है गाँव का सब्जी भुजिया एक नंबर। यहाँ देखिए मेरी भाभी बना रही है रोटियाँ। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं बाबू को लेके, बाबू मंदिर जाके प्रणाम करेगा भगवान जी को। और ये देखिए हमारी गैया आराम कर रही है, वो देखिए मम्मी और बाबू आगे चले गए। ये गांव का काफ़ी पुराना मंदिर है, इसे काली स्थान भी बोलते हैं। गांव में सभी इस मंदिर को काली स्थान बोलते हैं। यहाँ देखिए कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं। कोची है बैकन एरा से की हो गए ऐसे मारे ही। मारे ऐसे खेले ही। पेड़ कहाँ है कर ये वाला, तू भी ले ले। कैसे मारे, मारे तो देखो कैसे मारे। और चोट लगा एक से। बाबू अभी भगवान जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेगा। ऐसे मेरी भाभी यानी बाबू की मम्मी सुबह सुबह ही आई थी मंदिर और पूजा करके चली गई है। और ये देखिए ये गांव की भाभी हैं, ये डेली आके मंदिर धोती हैं। भाभी ने मुझे देखा तो मेरे पैर भी धोने लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा अपने मायके वाले ब्लॉग में कि हमारे यहाँ बेटियों का पैर धोया जाता है, भाभी ज़रूर धोती हैं। तो वो मुझे देख के आई और फिर मेरा पैर धोने लगी। जय माता दी। इस मंदिर में देखिए माँ दुर्गा का जो 9 रूप होता है उसकी 9 पिंडियाँ बनी हुई है टोटल। ये हमारे बजरंग बली हैं, ये शिवलिंग है और सावन में डेली यहाँ बेलपत्र और फूल गांव के लोग चढ़ाते हैं। ये बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। ये गांव का बहुत पुराना कुआं है जो मंदिर में ही है और इस कुएं की भी पूजा होती है। अभी मैं आई हूँ अपने नए घर में जो अभी बन रहा है, देखिए। देखिए बीच बीच में पापा की तबीयत खराब हो जा रही है इसलिए काम में थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए अभी पूरा गिट्टी ईंट बालू सब ऐसे ही रखा हुआ है, फिर कब से काम लगता है देखिए। हम जानते हैं वो बहुत लियाकत वाले आदमी, हमको पता है। ओ भैया
क्या चीज मिल रहा है वो जगह जाके अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरी भाभी ने खीर छोला सब बना लिया है और मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी क्योंकि मेरे भाई को मेरे हाथ की पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो सबके लिए बना लेते हैं पनीर की सब्जी। शादी के बाद ऐसे बहुत कम मौका मिलता है भाई को कुछ बना के खिलाने का। और यहाँ देखिए शाम की चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद सभी लोग आएंगे, बाबू केक काटेगा। मेरी फुआ भी यही रहती हैं, लेकिन बहू की तबीयत कभी से खराब थी। कल तो उन्होंने यही बदल गई, डॉक्टर को दिखाया था लेकिन आज वो पटना लेके गई हैं। शायद सर में उनका बहुत दर्द है, हम लोग का मन था उदास हो गया है सुन के। बात पापा गए हैं देखने के लिए भाभी को पटना, इसीलिए बहुत ही साधारण ढंग से हम लोग सब मिलजुल के बाबू का बर्थडे मना ले रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाभी जल्दी ठीक हो जाए, वहाँ कुछ अच्छी खबर आए। ऐसे पापा से बात हो रही है, भाभी की हालत स्थिर है, सारे टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि उनके सर में इतना दर्द है। तो चलिए पनीर की सब्जी बना लेते हैं, शाम की चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्या दे रहा है बताओ? चोकर, इसको चोकर बोलते हैं। क्या चीज का बनता है बताओ? गेहूं का। गेहूं का, इसको मिला देने से लोग का चारा टेस्टी हो जाता है। नहीं अच्छा, तो यहाँ की भाषा में बोले ना, ददोह की भाषा में बोले ना मनीष की है चोकर। हाँ और बोलिए आप, एक से की होगा नहीं तो बोले यहाँ का भाषा में बोलो, ददोह का भाषा में। हाँ अरे एक मिनट, यहाँ देखिए चल रही है बर्थडे की तैयारी। अरमान बैलून फुला रहा है। अरमान मिल लो यूट्यूब फैमिली से, ऐसे उठ के मिलोगे, हाय नहीं करोगे। जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भतीजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो पहले दादी को खिलाओ काट के, थोड़ा सा काटो। दादी को खिलाओ बेटा, दादी को खिला दो, फिर मम्मी पापा खिलाओ। आओ प्रियंका पापा खिला दो, मम्मी को खिलाओ। लगी पागल, ठीक है चलो।
ले। तुम भी खिलाओ फूफा जी, थोड़ा चटा दो बेटा, चटा दो। ला रहे रे बहुत ले उधर कहाँ बैठ के खा ले रहे तो वही जगह मिलो खा के। हाँ यही आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से बोलो। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस मेरी दीदी बहुत मेहनत करती है। अरे मेरा बाबू अरे हम समोसा नहीं, मिठाई खिले समोसा। पापा को पटना से आने में लेट हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी फुआ की बहू को देखने के लिए पापा गए थे, वो ठीक हैं। तो देखिए बाबू दौड़ के अपने बाबा को केक खिलाने जा रहा है। तो बाबू का बर्थडे हो गया और सबने खाना भी खा लिया है और अपना ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।